टेक टू, टेक थ्री, सो हेलो सब गाइस, कैसे हो आप लोग, टेक फोर, टेक फाइव, टेक हंड्रेड। पहले एक बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि भाई सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। सब चीजों में जैसे गुड हैबिट्स रहते हैं वैसे ही बैड हैबिट्स भी रहते हैं, तो भाई ऐसे ही मान के चलो भाई ये वीडियो पूरा एंटरटेनिंग पर्पस है, तो भाई दिल पे मत लो। अभी भाई बैकग्राउंड को लेके थोड़ा इशू हो रहा है, क्योंकि भाई मैं अगर पूरा छत पे चला गया तो बहुत विंड नॉइस आएगा और आप लोगों को वॉइस में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो भाई देखो भाई मैं अभी छत पे आ चुका हूँ, तो छत का लुक ऐसा है, मतलब आप लोग देख सकते हो गाइस, एंड बहुत अच्छा लुक्स आ रहा है। आई थिंक मैं अभी इसके अंदर ही वीडियो बना रहा था, बहुत ज़्यादा विंड नॉइस आ जाता है, दैट्स व्हाई भाई मैंने इसके अंदर वीडियो बनाया। तो भाई हमारे वीडियो को अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लोग जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को लाइक कर दे, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलो गाइस अभी हेलमेट पहन निकलते हैं। सो गाइस दिस इज़ हावा स्कूटी भाई, मैंने इसे ऐसे चलाया आप लोग देख सकते हो बारिश में इसका हालत क्या हुआ है भाई। मैं तो इसको लेके ऐसा ऑफ रोडिंग करता हूँ भाई, आप लोगों को भाई कोई मतलब पीछे देख सकते हो इसका, मतलब पीछे का तो पूरा खत्म हो चुका है, एकदम पूरा मिट्टी से लबालब हो चुका है। जैसे अभी इंडियन स्ट्रीट में हम लोग चलाते हैं वैसे ही हमने स्कूटी को चलाया। उसके बाद एक साल बाद इस स्कूटी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आज सब प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को जानने का ज़रूरत होता है नया नया जो खरीदता है कि एक साल बाद इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, एक साल बाद इसका हालत क्या होगा, सब कुछ भाई अभी मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में भाई। तो गाइस बने रहो हमारे साथ। सो गाइस अब मैं इसका फाइव मेजर प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका बहुत ज़्यादा हैंडल का वाइब्रेशन, मतलब इतना ज़्यादा वाइब्रेशन कि शरीर का जो अंग है भाई ऐसे कांपता है, मतलब ऐसे थर 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 दस से चालीस के अंदर ही भाई ये ज़्यादा होता है वाइब्रेशन, देख सकते हो भाई, मतलब मेरा हाथ आप लोग देखो भाई, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मतलब मैं रुक के दिखाता हूँ आप लोगों को वाइब्रेशन। देखो भाई आप लोग अगर ये वाटर ड्रॉप को देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ऊपर का वाटर ड्रॉप देखो, इधर आप लोगों को दिख रहा होगा गाइस कितना ज़्यादा वाइब्रेशन है, मतलब हाथ थर 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 काँपते रहते हैं। तो ये रीज़न हो गया। अभी हमारे पास बाकी है चार रीज़न भाई, तो चार रीज़न भी भाई अभी मैं बताने वाला हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि अगर ये वीडियो आप लोगों ने स्किप कर दिया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे भाई लोग। एंड आफ्टर वन ईयर एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ आज सब कुछ एक साथ शेयर कर दूंगा। एंड भाई अब आ जाते हैं इसका सस्पेंशन भाई, फ्रंट का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इतना गंदा है कि भाई अगर कोई इतना ज़्यादा मतलब ये साइज़ का अगर गड्ढा आ जाए भाई तो ये मतलब इतने झटके देती है ना, बहुत ज़्यादा झटके देती है भाई। देखो ये स्कूटी तो मैं नहीं बोलूँगा, ये स्कूटर में ही आता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टॉर्क और इतना ज़्यादा पिकअप भाई कोई और स्कूटी 125 के सीसी सेगमेंट में नहीं दे सकता है, ये स्कूटी के अंदर नहीं आता, पूरा पूरा स्कूटर है गाइस आप लोग देख सकते हो। अभी फिर से बारिश आ गया, तुम्हारा भाई इस बारिश में भी कैसे भी करके वीडियो बनाएगा तुम लोगों के लिए। तो इसके थर्ड रीज़न पे भाई, थर्ड रीज़न है इसका हैंडल भाई, अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक, सामने का जो फ्रंट डिस्क होता है भाई अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करूँ तो भाई ये जो हैंडल है, हैंडल का बॉल बियरिंग का सेट है भाई, ऐसे कर 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 करके आवाज़ करता है, मतलब हैंडल भाई इधर तोड़ के अंदर आ सकता है। तो भाई ये बेसिस किस बात के ऊपर मैं बता रहा हूँ, देखो मेरा स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, मतलब सामने का कुछ नहीं था। जिन लोगों ने अभी तक वो वाला व्लॉग नहीं देखा वो लोग जल्दी से जल्दी वो वाला व्लॉग फर्स्ट देखो। अब आ गए हम ऑफ रोडिंग पे भाई, अभी चौथा रीज़न भी आप लोगों को बताएंगे भाई। आप लोग सुन सकते हो आवाज़, देखो भाई आवाज़ आप लोग सुन सकते हो, मैं आप लोगों को अच्छे डिटेल से समझाऊंगा क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स आता है भाई
आफ्टर वन ईयर भाई, तो इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा गंदा लगा मुझे एक साइड से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है ये, फुल फिटिंग होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। सुन पा रहे हो आप लोग आवाज़? मैंने बहुत ज़ोर से इसको चलाया और पूरा ऑफरोडिंग कर रहा हूँ इस गली में आकर, आवाज़ सुनो सिर्फ आप। अगर भाई इंटर का अपने सस्पेंशन के साइड से अच्छा होता तो भाई कुछ और मालूम ही नहीं होता, क्योंकि इसका सस्पेंशन बहुत ही बेकार सस्पेंशन है। मतलब इंटॉर्क में जो सस्पेंशन दिया होता है, जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे हाइड्रोलिक डैम्पर्स दिया होता है, बहुत ज़्यादा गंदा है, क्योंकि इसका सस्पेंशन कोई भी काम का नहीं है। कंफर्ट जोन भाई सस्पेंशन के ऊपर से ही आता है, पहले ये आपको समझना पड़ेगा। सस्पेंशन के ऊपर ही आपका कंफर्ट जोन मैटर करता है, तो कंफर्ट जोन का तो बात छोड़ दो आप, कंफर्ट जोन इसमें आपको नहीं मिलेगा। सो गाइस अभी आ जाते हैं इसके फिफ्थ रीज़न पे। फिफ्थ रीज़न है इसका बूटिंग स्पेस। भाई मुझे पहले लगा था इसका बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है, पर इसका बूट स्पेस बहुत ही कम है भाई। देखो एक बैक ठीक से भाई नहीं आता इसमें, मतलब मैंने इसके अंदर भाई एक गोप्रो का टोटल सेट का बैग रखा है भाई, तो ये बहुत स्ट्रगल करके इसके अंदर मैंने घुसा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके। ये फ्यूल का बोतल मैंने इसके साइड में रखा है, तो आप लोग देख सकते हो। बूट स्पेस बहुत ही छोटा है भाई, बूट स्पेस के अंदर जो बूट लैम्प दिया हुआ है ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मुझे जब बैग घुसाना पड़ता है भाई, तो कुछ ऐसे हमें बैग घुसाना पड़ता है, तो इससे ज़्यादा बूट स्पेस हमें एपिलिया एसआर 160 में मिल जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। आफ्टर ऑल भाई स्कूटी इतना भी ख़राब नहीं है। ये 5 मेजर प्रॉब्लम थे इसके अंदर जो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा सिटी माइलेज नहीं देखा, वो लोग जल्दी से जल्दी हमारा सिटी माइलेज देख लो गाइस, क्योंकि अभी एक साल बाद इसका माइलेज टेस्ट भी हम करवाने वाले हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो कमेंट डाउन दी बिलो गाइस, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे भाई। आप लोग मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो हमारा फेसबुक पेज पे फ्यूजन बी नाम का एक पेज है भाई, उधर जाके आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो और उधर पे ही आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो आज के लिए वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। सो जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया वो लोग जल्दी जल्दी हमारे वीडियो को लाइक कर दे, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। तो स्टे ट्यून गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।